विक्रम, कसरत ही करते रहोगे या नाश्ता भी करोगे? अरे फौजी का बेटा है, पूरे 200 डंड पेलेगा। हाँ न जाने कौन है वो काली कलूटी बैंगन लूटी जिसके लिए इतनी कसरत की जा रही है। भावे खबरदार, उसके खिलाफ कुछ कहा तो। हाँ हाँ, उसके खिलाफ कुछ कहा तो ऐसे चिढ़ जाता है जैसे उसे शादी हो गई। अरे क्या बताओ भाभी, वो बस बस वो बार सुन चुकी हूँ। तुम पुलिस ट्रेनिंग खत्म करके शहर वापस आ रहे थे, वो बोर्डिंग स्कूल से वापस आ रहे थे, सफर में मुलाकात हो गई और तुम्हें पहली नजर में उसे प्यार हो गया। बस फिर वो शहर में गई, खो गई। सफर में उसकी एक तस्वीर मिली थी, सो अपने पास है, ना ही उसका नाम मालूम और ना ही पता। मुझे दिखाना दिखाना ना। क्या तू तो कभी किसी को नहीं दिखाएगा? नहीं। अरे फिर ढूंढ तो ले उसे। ढूंढूंगा। पुलिस में है ना तू? ढूंढूंगा भाभी, ढूंढूंगा। सुन, जिस दिन मैं उसे ढूंढूंगा ना, तू शगुन लेके उसके घर पहुंच जाना। हाँ हाँ, मैं तो जाऊंगी ही। फिलहाल कमिश्नर साहब आपके शगुन का इंतजार कर रहे होंगे। अरे बाप रे बाप, 10:30 बज गए। तो? भाभी तू हमेशा इन्हीं बातों में मुझे लेट कर देती है। तू मैं? हाँ, मैं हाँ, लेट कर देती हूँ। हाँ। सुन तो पाजी कहेगा। विक्रम। हाँ भाभी। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। भाभी वो लड़की मिल गई। कौन? अरे हाँ, वो जिसे तुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। बता बता दो कौन है वो, मैं अभी उसके पास शगुन लेके जाती हूँ। ना भाभी ना, ऐसा सोचना भी नहीं। पर क्यों? हाँ भाभी, अरुण का प्यार है, प्यार तो उसने किया, हमने तो बस दिल लगी की। विक्रम, अच्छा ही हुआ भाभी, अब जिंदगी में और कोई मकसद ना रहा, सिर्फ एक मकसद के सिवा, अरुण को इंसाफ दिलाना।